कौन सुनता है यहाँ फरियाद गरीबों की, ये वो आवाज है जो पहचानी नहीं जाती। आफत में है किसानों की जान, फिर भी इनकी बदजुबानी नहीं जाती। बेशर्म है ये नौकरशाह। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। क्या नौकरशाह नेताजी की राह चल पड़े हैं और क्या मदद की जगह इन्हें अपना रुतबा और प्रवचन देने में मजा आता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सादुर शहर में एसपी और डीएम मदद की जगह बेतुके बयानबाजी पर उतर आए। बाबू ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? आज बिग बुलेटिन में हम इससे मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। एसपी और डीएम आए तो थे किसानों का दर्द देखने, लेकिन तस्वीर देखकर लगता नहीं कि किसानों के दर्द से इन्हें कोई मतलब भी है। किसानों को नेता न बनने की सलाह, अब इन्हें कौन समझाए कि किसानी में कुछ रखा भी तो नहीं है और आप कुछ करने भी नहीं दे रहे हो। अब जरा डीएम साहब को सुनिए। सबका मालिक एक है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि किसानों का मालिक कौन है, कौन है गरीबों का रहनुमा। किसानों को पीड़ित करने वाली, पीड़ा के ऊपर और पीड़ा देने वाली बात सामने आई है तो उसका निश्चित तौर से वो संज्ञान लेंगे और संज्ञान लेने के आधार पर जो भी उचित कार्रवाई होगी वो निश्चित तौर से करेंगे। दरअसल ब्यूरोक्रेसी वैसा ही व्यवहार करती है जैसा कि राजनीतिक नेतृत्व की सोच होती है। राजस्थान में जो राजनीतिक नेतृत्व है वो दिशाहीन है, किसानों का नाम लेकर के, किसानों को बरगला करके वो सत्ता में आ गए। किसान रोज मरने को मजबूर हैं और ऊपर वाले बेवजह बेतुके बयानबाजी करने में मशगूल हैं। बोलने में तो नेता मशहूर थे, अब तो नौकरशाह भी नेताजी की पारी खेलने लगे हैं। सादुल शहर से राजेंद्र गोयल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट समाचार प्लस। तो सरकारें जो ऐलान करती है, जो घोषणा करती है, उन घोषणाओं को ग्राउंड लेवल पर उतारने का काम नौकरशाहों का होता है। लेकिन नौकरशाह का रवैया किस तरीके का था यह हमने आपको इस रिपोर्ट पर दिखाई। क्यों इस तरीके का व्यवहार नौकरशाहों का होता है, क्यों इस तरीके का व्यवहार किसानों से करते हैं जो खुद पीड़ित हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में मेरे साथ विजय शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के नेता, अर्चना शर्मा, कांग्रेस पार्टी के नेता, वीरेंद्र कटेवा साहब, किसान नेता हैं, इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप तीनों का स्वागत है। मेरे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। मेरा पहला सवाल विजय शर्मा आपसे ही, क्योंकि सत्ताधारी दल से आप ताल्लुक रखते हैं, अगर इस तरीके का व्यवहार जिले का डीएम करेगा, जिले का एसपी करेगा, तो किसानों का क्या होगा? विजय जी आवाज आ रही है? हाँ हाँ धर्मराज जी, निश्चित रूप से आज जो ये बात साधु ये जो घटना हुई है ये निंदनीय है, इसकी किसी भी प्रकार से स्वागत योग्य नहीं है। जिसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। हमारे वरिष्ठ नेताओं ने भी इसको संज्ञान में लिया है और आप निश्चित रूप से मानिए इसके ऊपर जो भी हमारी स्थानीय मुख्यमंत्री, हमारी जो मुख्यमंत्री है आदरणीय श्री वसुंधरा राजे जी, तो जब भी कभी बात होगी तो इसके विषय को हम जरूर उठाएंगे और ऐसे ऐसे नेताओं के, ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ या ऐसे कलेक्टरों के खिलाफ हम निश्चित रूप से कार्रवाई करने की मांग करेंगे जो कि जनता को दर्द देने की बात करते हैं दवा के बजाय। इस समय जो इस प्रकार से प्रकृति ने अपना क्रूर रूप दिखाया हुआ है, राजस्थान के अंदर तीन तीन बार ओलावृष्टि हो रही है और हम जयपुर कुछ भी नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम इस बात को समझते हुए, इस बात को हम पूरी तरीके से अच्छी तरीके से जानबूझकर ये बात कहेंगे और ये निश्चित रूप से मानिए किसी भी प्रकार से हम निंदनीय है, समर्थन नहीं कर सकते। आगे कार्रवाई आप करेंगे। अर्चना जी, क्या इन अधिकारियों के भरोसे सरकार उम्मीद कर सकती है कि जो मुआवजा जयपुर से चला आ रहा है वो सादुर शहर में किसानों को मिल जाएगा? देखिए धर्मराज, अधिकारियों को दोषारोपण करने से बेहतर होगा कि उस व्यवस्था पर गौर किया जाए जिस व्यवस्था के तहत ये सारे अधिकारी काम करें। जैसा शासन होता है वैसा प्रशासन होता है, क्योंकि जो रवैया आपका सत्ताधारी पार्टी का होगा वही उसके प्रशासन में प्रतिबिंबित होता है और ये काम यहाँ पर देखा जा रहा है। विधानसभा के पटल पर कांग्रेस के सदस्यों ने इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया था कि भले ही नरेंद्र मोदी जी वाहवाही लूटने के लिए 33% पर मुआवजा देने की बात करते हो,
लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया जा चुका है किसी भी सूरत में खराबे को इतना बताना ही नहीं है कि मुआवजा देने की स्थिति उत्पन्न हो जाए और लीपापोती करने का काम करना, उसी को जाकर के वो अपना अंजाम दे रहे हैं। तो यहाँ से प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर देने से पार नहीं पड़ेगी। जिस प्रदेश में पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा आपदा आई हो, सबसे बड़ी आपदा आई हो डेकेड्स के बाद, उस प्रदेश की मुख्यमंत्री निवेश आमंत्रित करने के लिए विदेशों में जा रही है, साथ ही साथ अपने मंत्रियों को विभिन्न राज्यों की राजधानियों में रोड शो के लिए भेज रही है। भाई निवेश तो आ जाएगा, जैसे आता है वैसे ही आएगा, क्योंकि आपके प्रयासों से आने वाला भी नहीं है। आपकी नीति निवेश को आमंत्रित करने की होती है तो डीएमआईसी कॉरिडोर की अनदेखी आप नहीं करते। लेकिन ये समय था कि आप मुखिया के तौर पर स्वयं आश्वस्त करती किसानों को, अपने जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में गिरदावरी करवाती और उन्हें ये आश्वस्त किया जाता कि जिस प्रकार की आपदा है उसके अनुसार आपको मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, प्रदेश में इनकी सरकार आप सरकार की इच्छा शक्ति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वीरेंद्र कटेवा साहब, यहाँ जो सादुल शहर के एसपी साहब हैं, उन्होंने किसानों से ये कहा कि आपने फसल काटने में देरी की, क्या अब कोई पुलिस कप्तान ये किसान को बताएगा? क्या किसानों की समझ नहीं रह गई कि वो फसल कब काटे कब बोए, उनकी समझ खत्म हो गई है? धर्मराज जी, मेरे को कबीर जी का एक दोहा याद आ रहा है जी, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाने को है। तो किसान तो रोकरशाही और नेताशाही के बीच में पिसता जा रहा है, मुआवजे को तो भूल चुके हैं लोग बाग। मैं आपको एक और निवेदन करूं, अभी अभी एक बात मैं आपको बताने वाला हूं जिसको सुन के आप भी चौंक जाएंगे। जिन जनप्रतिनिधियों को हमने वोट दे के भेजा वो अशोका होटल में 35 एमपी ठहरे हुए हैं, उनका खर्चा 10-11 महीने का 140 करोड़ रुपए है, जबकि उनको मकान अलॉट हो चुके हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि जो जाएंगे वो किसान का क्या करेंगे? जब ऐसे जनप्रतिनिधि होंगे तो अफसरशाही अपने आप हावी हो जाएगी, वो देख रहे हैं कि ये तो अशोका होटल में मजे कर रहे हैं, अपन जैसा चाहेंगे मर्जी वैसा बोलेंगे। तो जैसी सरकार होगी, मैं एक आपसे पुरानी बात बताना चाहूंगा, ये इसके चमड़े के जूते होते थे उस टाइम, सोल भी चमड़े का होता था, राजस्थान सरकार की बात है, माननीय कुमार राम जी उस टाइम राजस्व मंत्री होते थे, उन्होंने अफसरों को बुला के कह दिया था कि सबके जूतों के रबड़ सोल लगवा लो वरना मैं सबकी छुट्टी कर दूंगा। तो ऐसे अगर नेता हैं, क्यों उनके पीछे इतिहास था, वो आजादी के लिए लड़े थे, अब तो ऊपर से थोपे जाने वाले नेता आते हैं तो वो नौकरशाही को कहां दबाएंगे? नौकरशाही को दबाने के लिए उससे ज्यादा ताकत वाला नेता चाहिए, उससे प्रतिभाशाली नेता चाहिए, तब जाके कोई अफसरशाही काबू में आती है। अफसरशाही तो बेलगाम घोड़ा हो गया, जो जहां मर्जी दौड़ रहा है, जहां मर्जी हो रहा है, कोई संभालने वाला नहीं है, कोई कुछ। बिल्कुल कटिवा साहब, सवाल अफसरशाही पर जरूर खड़े होंगे कि स्थिति उस तरीके की नजर आ रही है। अमिताभ जी, क्या इन अफसरों के भरोसे सरकार मुआवजा बंटवा देगी पूरे आवाम के बीच? देखिए, अफसरों के भरोसे सरकारें रही क्यों, सवाल ये है बड़ा, मालिक कौन है? अफसर मालिक है सूबे का या सरकार मालिक है? जनता के वोट से चुनी हुई संस्था मालिक है? उत्तर आता है जनता के वोट से चुनी हुई संस्था मालिक है। मैं एक उदाहरण सामने रखता हूं, मेरी बात से शायद हमारी मित्र अर्चना जी भी सहमत होंगी, विजय जी भी सहमत होंगे, कटेवा साहब भी सहमत होंगे। 200 विधायक किसी पार्टी के हो, गिन के 200 है ना पूरे, 25 सांसद पूरे हैं, एक भी कम नहीं, 225 25 कलेक्टर, 250 आदमी कैंप करते गांव गांव जाकर, तो कहीं कोई अफरा तफरी, कहीं कोई फर्जीवाड़ा, कहीं कोई गैर कानूनी प्रक्रिया हो ही नहीं सकती थी लेखपाल और पटवारी के स्तर पर? क्या इससे जरूरी कोई और काम है? किसी गांव में अशोक गहलोत, किसी गांव में गुलाबचंद कटारिया कैंप करें, क्या वहां पटवारी दंडफंड कर सकता है? कटेवा साहब, नहीं साहब, कोई नहीं कर सकता। नहीं ना, सात पीढ़ी की रूह काप जाएगी, सात पीढ़ी की, एक की नहीं। बिल्कुल साहब, कहीं राजेंद्र राठौर कैंप कर रहे हो, कहीं अर्चना शर्मा कैंप कर रही हो, तो कोई फोर्जरी नहीं कर सकता? इससे जरूरी कोई और काम था क्या? कोई जरूरी काम मुझे तो नहीं लगता इससे बड़ा कोई और काम था। ये हो जाता तो ये बदजुबान और बेशर्म अधिकारी है, ये कंट्रोल में आ जाते। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा, अर्चना जी ने कहा कि अधिकारियों पर शिकंजा कसने से बात नहीं बनेगी, लेकिन अर्चना जी कई बार चाणक्य कहता है कि लाइव पनिशमेंट जरूरी हो जाता है। अगर किसी ने बदतमीजी की है कलेक्टर ने,
तो उसको ऐसी सजा जरूर मिलनी चाहिए कि कम से कम फिर 33 जिले में कोई कलेक्टर बदतमीजी नहीं करे। ये सजा तो मिलनी चाहिए ना, ये नहीं मिलेगी तो 32 जिले जो और बचे होंगे उनके कलेक्टर भी बदतमीजी पे उतारू हो जाएंगे, उनके कप्तान भी बदतमीजी पे उतारू हो जाएंगे। ये कौन कप्तान है भाई, किस स्कूल में पढ़ के आया है जो ये कह रहा है कि तुमसे किस डॉक्टर ने बताया था कि इसी टाइम फसल काटो, जो ओले गिर रहे थे पहले क्यों नहीं काट के रख ली? इसको पता ही नहीं सरसों का चक्र क्या है, गेहूं का चक्र कैसे घूमता है। ये समझ रहा है कपड़े सुखाने बाहर रखे थे, बादल देख के अंदर क्यों नहीं रख लिए? ये समझ रहा खेती ऐसे होती है? कटेवा साहब आप बताइए, इस बुद्धि पर रोए कहां से? ऐसे नादान लोगों के हाथ में चीजें रहेंगी तो किसान मरेगा। जिस बात वीरेन जी ने कही दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, 360 साल पहले कबीर कह गए। लेकिन मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, जहां जा, ये केवल राजस्थान की समस्या नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश में भी बहुत संकट है भीषण। लेकिन इसके लिए दोषी राजनेता भी उतने ही हैं। मैंने उत्तर प्रदेश में भी यही सुझाव दिया था, 403 की असेंबली है, एक भी सीट खाली नहीं है और 80 मेंबर पार्लियामेंट है। मैंने कहा था 500 तो आप हो भैया, जिले कितने हैं आपके पास? 75 और 500 लोग हो प्रभावशाली, कैंप कर लीजिए, किसान का दुख सुख वही समझ आ जाएगा। बनारस में भारत का प्रधानमंत्री 8 घंटे भी कैंप कर लेता तो फिर कहीं कोई गड़बड़ी की संभावना नहीं रहती पूरे मंडल भर में। देश का गृहमंत्री कैंप कर लेता लखनऊ में, राजनाथ सिंह जहां से चुन के आए, कोई संभावना थी क्या? नहीं ना, नहीं करते ना। लेकिन फिर मैं आज के विषय पर आता हूं, ऐसे कलेक्टर और कप्तानों को दंड मिलना ही चाहिए। ये लोग असंवेदनशील लोग हैं। हमारे बुजुर्ग की कहावत कहा करते थे कि भाई गुड़ ना दो गुड़ जैसी बात तो करो, ये तो लाठी मार रहे हैं। क्या कह रहा है किसान से कलेक्टर वहां का, तू ज्यादा नेता है, नेताजी नेता बन रहा है, नेतागिरी करेगा? ये भाषा है कलेक्टर की? किस लिए तैनात होता है कलेक्टर? ये कोई राज्य रजवाड़ों का शासन है? ये कोई मुगलिया सल्तनत का की हुकूमत है कि कोड़ा लेके जाएंगे गांव में? 70 के दशक की हिंदी फिल्म है क्या? नहीं ना, इन पर निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए ताकि बाकी जो नौकरशाह है जिनके मन में ये एक विज्ञापन आता है ना, मन में लड्डू फूटा, टीवी पे बड़ा चलता है, सबने देखा होगा, तो जिनके मन में बदतमीजी करने का लड्डू फूट रहा हो वो कम से कम मन में ही दब जाए। नहीं तो इस गरीब किसान के साथ हर आदमी प्रहसन करने की कोशिश करेगा, हर आदमी उपहास करने की कोशिश करेगा। आंसू पूछने कोई नहीं जा रहा, उपहास करने के लिए लोग खड़े हैं। इसलिए आज हम ये विषय लेकर आए। विजय शर्मा जी, कहने से बात नहीं बनेगी, जनता परिणाम देखेगी, निर्णय सुनेगी। इन दोनों अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई होती है तो माना जाएगा कि गलती केवल अधिकारियों की है, और कार्रवाई नहीं होती है तो मुझे बोलने की जरूरत है क्या माना जाएगा फिर? विजय जी पता है ना फिर क्या माना जाएगा? ये अधिकारियों की गलती नहीं है केवल, अधिकारी किसी दूसरे की भाषा बोल रहे हैं, ये माना जाएगा। जनता को मूर्ख मत समझिए, ये ध्यान रखिए। नेताओं से गलती होती है, जनता गलती नहीं करती। जनता की कलेक्टिव विजडम बहुत बड़ी है, उसकी सामूहिक प्रतिभा बहुत बड़ी है। इसी जनता ने वाजपेयी को चुनाव हरा के दिखाया, इसी जनता ने अजीत सिंह को चुनाव हराया, इसी जनता ने इंदिरा गांधी को चुनाव हरा के उनकी हैसियत बताई। ये भारत की जनता है, यानी कितने कलेक्टर और कप्तान आए और चले गए, ये ध्यान रखिएगा। विजय शर्मा जी, जब ऐसी स्थिति किसी क्षेत्र में होती है कि जिले का कप्तान, जिले का डीएम अगर इस तरीके का रुख रखे, ऐसा रवैया रखे, तो नीचे जो तहसीलदार पटवारी हैं वो कैसा व्यवहार करते होंगे? क्या मैसेज देते हैं ये डीएम और कलेक्टर? धर्मराज जी, जैसा आपने, मैं शुरू सबसे पहली लाइन के अंदर ही मैंने उस अधिकारी का बचाव नहीं किया, और आपने देखा होगा कि हमारे नेता ने जिस आपकी बाइक भी चलाई है, हमारे नेता ने भी उस चीज का उसका समर्थक नहीं किया। हमारे पहली लाइन ये है कि हमारी जनता, हमारा किसान, हमारे यहाँ के लोग सर्वोपरि है, वो हमारे सर्वमाथे के ऊपर है।
और भारतीय जनता लेकिन कार्रवाई नहीं हुई विजय शर्मा जी, विजय शर्मा जी कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई के लिए किस चीज का इंतजार है? निश्चित रूप से आप ये मानिए, आप थोड़ा समय दीजिए, आप उसके ऊपर एक्शन हम लेते हुए दिखेंगे, आप थोड़ा समय दीजिए। और रही बात दूसरी, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जब ये आपदा हुई उसके बाद से वहां के पंच और सरपंच, वहां के स्थानीय विधायक, वहां के सांसद सब तक को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि आप खुद स्वयं वहां पर खेतों में जाइए, वहां का गिदावरी देखिए, आप खुद अपनी आंखों से वहां का। विजय शर्मा जी, विजय एक मिनट, मैं निर्देश दूं अपने चैनल में कि सब लोग ऐसा ऐसा काम करो, उससे जो मेरा तजुर्बा, उससे जो रिजल्ट आएगा और कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं न्यूज रूम में खुद खड़ा हूं जाके, बनता है कि नहीं? ये निर्देश ही दे दूं, केवल फर्ज भी ये भी बनता है कि मैं भी कभी खड़ा हूं जाके? नहीं, 200 विधायक है, सुन लो मेरी बात, 200 विधायक है, 25 सांसद है, इतने व्यस्त है राजस्थान के नेता ना, कैंप नहीं कर सकते थे गांव में जाकर? सब कह रहे हमने निर्देश दे दिए, किसान का हाथ खाली, उसकी आंख में आंसू, और नेता और अधिकारी कह रहे निर्देश दे दिए नीचे तक, क्या कर रहे हैं आप? किसको, किसने किसको निर्देश दे दिए? बीरेन जी मैं ढूंढ नहीं पा रहा, निर्देश गए कहां? निर्देश कहां से देंगे अग्निहोत्री जी? मैं आपको एक निवेदन करूं कि कलेक्टर और एसपी ने जाके वहां बदतमीजी कर दी, जिले में कम से कम 8-9 विधायक हैं, एक केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने जाके कलेक्टर को कहा तक नहीं कि आप ये क्या करके आए हो, तो हम क्या उम्मीद रखे किसान की भाई जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो कलेक्टर को समझा पाएंगे, दबा पाएंगे या सजा दे पाएंगे? वो आज तक उनसे मिले नहीं, उनकी बदतमीजी की टीवी चैनलों पे भले ही कोई मुखालफत कर दे, उनसे जाके कोई किसी ने ये नहीं कहा कि आपने ये क्या किया, हम क्या उम्मीद, किसान क्या उम्मीद करे इन जनप्रतिनिधियों से? अर्चना जी ये बात बीरेन जी ने मेरे मन की कही, वहां से 7-8 एमएलए हैं, उन पार्टी के हों, मुझे नहीं पता बाइफर्केशन क्या है, किसी पार्टी के हों, सबको मिलके उन कलेक्टर और कप्तान के कान खींचने चाहिए थे, नहीं? बिल्कुल अमित, क्या केवल खाके, क्या राजस्थान के विधायक सांसद खाके सो रहे हैं क्या? मतलब क्या है, पिकनिक मूड में है, क्या कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहा मैं। देखिए अमिताभ जी, दो बातें, एक जनप्रतिनिधि और जनसेवक है, उस जनप्रतिनिधि के द्वारा उस जनसेवक की लगाम कसी जाए, यही एक लोकतांत्रिक व्यवस्था। नहीं, मैं वो तो कसी जाए, उससे मैं सहमत हूँ, मैं कह रहा हूँ जनप्रतिनिधि कहाँ है इस आपातकाल में, ये मैं पूछ रहा हूँ। देखिए अमिताभ जी, जनप्रतिनिधि क्या करेंगे जब मुख्यमंत्री, बात तो बोलने दीजिए अमिताभ जी, पूरी बात करिए। जनप्रतिनिधियों का दायित्व इस समय यही होना चाहिए कि खुद खड़े होकर के मांग करें कि गिरदावरी जो है बिल्कुल गलत है, पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए, इसी के लिए मत मिला था उन्हें, और ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को तो इसीलिए मिला था। मैं नहीं कहती कि सिर्फ भाजपा के, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों का भी दायित्व, लेकिन समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि जब आपदा की स्थिति उत्पन्न हुई, जब उसकी सक्सेसिवली आती रही और पूरे मार्च से लेकर अप्रैल तक ये स्थिति बनी, तो जब जब कांग्रेस बोली, हमने कोई सियासी फायदा उठाने के लिए नहीं बोला, क्योंकि पंचायत के चुनाव भी हो गए, सारे चुनाव निपट चुके, तो इनकी प्रतिक्रिया सीधी सी आती, बौखलाई हुई कांग्रेस है। श्रीमती सोनिया गांधी यहां आई तो उससे व्यथित होकर के वसुंधरा जी ने, जब उनको पता चला प्रोग्राम बन गया, तो 2 दिवस पूर्व जाकर के दौरे का कार्यक्रम उन्होंने बना लिया। उनके एक सांसद है, उन्होंने भी प्रपंच रचा हाड़ौती संभाग के, कि अनाज इकट्ठा किया जाएगा और वितरित किया जाएगा, लेकिन उसी हाड़ौती संभाग में जब कलेक्टर्स ने जाकर के वहां पे वितरण करने का काम किया मुआवजे का, तो उनके उल्टे पैर लौटाने का काम उस किसान ने किया, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए की फसल बर्बाद हुई, उसे 50 रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। अब ये कह रहे थे कि साहब हमने निर्देश दे दिए, आपने तो वाहवाही लूटने के लिए बहुत से निर्देश दे दिए, लेकिन बिजली के कनेक्शन काटने आपके कर्मचारी अधिकारी पहुंच रहे। देखिए, इसका एक ही कारण है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में संदेश के माध्यम से ये जो जनसेवक होते हैं उन्हें निर्देश दिया जाता है, एक निर्देश होता है जो कागजों के माध्यम से होता है और एक होता है संदेश के माध्यम से। संदेश जाता है विधानसभा के पटल से आपदा मंत्री की ओर से कि यदि कोई लटक जाएगा पेड़ पर तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं, यानी सदमे से मरने वाले किसान के प्रति कोई सद्भावना नहीं। इसके अतिरिक्त
गडकरी जी ना तो कृषि मंत्री है, लेकिन वो भी अपने उद्गार प्रकट कर देते हैं कि ना तो किसान अपनी किस्मत के भरोसे रहा ना ईश्वर के भरोसे रहे। और उनसे दो कदम आगे जाकर केंद्रीय राज्य के जो कृषि मंत्री हैं वो कहते हैं कि तुम जितने किसान यहां बैठे हो अपने आनुषांगिक संगठन के एक पदाधिकारी से कि वो सारे उससे ज्यादा मेरे यहाँ हुक्का भरते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप भूमि अधिग्रहण बिल के प्रावधानों को बदलना चाहते हैं? नहीं जा रहे हो, लेकिन वो किसान जो पहले आपदा का मारा है आपके इस निर्देश की एक जो सरकारी आपदा उससे और उसकी कमर टूट गई। लेकिन संवेदनहीनता ऐसी है कि आपके अधिकारी आपकी उस भावना को इस प्रकार से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जाकर के उस किसान को कह रहे नेतागिरी मत करो। ठीक है। मैं फिर अपने मूल सवाल पर आता हूँ और यहाँ बाकी दोनों लोग तो राजनेता है। वीरेन कटेवा उसी पक्ष के प्रतिनिधि हैं। वीरेन भाई मुझे बताइए, मैंने एक सुझाव रखा 200 एमएलए और 25 एमपी गांव गांव कैंप करते तो ये 80-90% समस्याएं तुरंत हाथ के हाथ सुलझ जाती कि नहीं सुलझ जाती? बिल्कुल सुलझ जाती। गांव के आदमी को विधायक सामने मिलता वो कुर्ता फाड़ देता दो मिनट में विधायक जी का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजधानी में और राजधानी के बाहर बैठकर तो आप जनता से दूर हो जाते हैं कि 35 एमपी मकान अलॉट होते हुए अशोका होटल में बैठे हैं। अशोका में बैठे, मौर्या में बैठे, उस पर किसी अलग दिन बहस करेंगे। मैं पूछ रहा हूँ सरकारी खर्चे में बैठे भाई, अगर ये लोग गांव में खड़े होते तो स्थिति बेहतर होती कि नहीं होती? किसान के तौर पर आपको क्या लगता है? नहीं होती, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो तो ये तो नेतृत्व का सोचना चाहिए कि भाई हर प्रतिनिधि को ये कहे कि आप अपने इलाके में जाके गिरदावरी की व्यवस्था देखो, सही गांव के लोगों से हो रही है कि नहीं हो रही है। पटवारी, एसडीएम, एडीएम, गिरदावर जो भी है वो मौके पे जा रहे हैं, राजस्व अधिकारी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, गिरदावरी सही हो रही है कि नहीं हो रही है। किसी पार्टी का कोई जनप्रतिनिधि ये संभाल नहीं कर रहा कि गिरदावरी सही हुई कि नहीं हुई। निर्देश ऊपर से आते हैं, जनप्रतिनिधि हैं वो गायब हैं। विजय शर्मा से मिलते हैं। विजय शर्मा जी, ऐसे निर्देशों को जनता किसान ओढ़े के बिछाए, एक सवाल। और दूसरा सवाल, क्या राजस्थान के जनप्रतिनिधि सारी पार्टियों के इतना व्यस्त रहते हैं? किसी यूएन कॉन्फ्रेंस वगैरह में पेपर पढ़ने गए हैं? मतलब क्या कर रहे हैं 200 वो और 25 ये, 225 लोग कर क्या रहे हैं? इन्हें मैं समझ पा रहा हूं। किसी इंटरनेशनल मसले पर व्यस्त है, अफगानिस्तान, अमेरिका, पाकिस्तान के त्रिभुज की समस्याओं को सुलझा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अमिताभ जी सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता दूं कि मैं यहाँ पर राजनीति के बिल्कुल 1% भी राजनीति के किसी ने मैंने नहीं, पार्टी नहीं, बोली नहीं, 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 मैंने 225 पूरे बोले, पार्टी बोली नहीं। अमिताभ जी, मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। यहाँ पे कई पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी या कई किसान की बात नहीं है, यहाँ पे एक आम किसान और आम नागरिक के दर्द की बात है, जिसको यहाँ की जो स्थानीय सरकार है उसको अपनी संवेदनशीलता दिखानी पड़ेगी। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश ही नहीं दिया, साथ साथ वो वहां पर गई भी, उन किसानों के बीच भी गई, वहां के पंच और सरपंचों को ये स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि जो नौकरशाह लिख के लाएगा उसको मान्य नहीं किया जाएगा। वहां के विधायक और वहां के कार्यकर्ता और वहां के किसान का दर्द होना दिखना चाहिए, वो चीज मानी जाएगी। ये हमारे प्रमाणित नहीं माने जाएंगे, हमारे किसी भी प्रकार से कर्मचारी के द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट को हम किसी भी प्रकार से नहीं मानेंगे। हमारे साफ निर्देश है कि जो वहां पर आप समझने पर ऐसा होता नहीं, आप प्रैक्टिकल ऐसा है नहीं। कटेवा जी, जो राजस्व विभाग से रिपोर्ट आती है उसी पर चेक बनता है ना? नहीं देख रहे हम आप लोग, नेता लोग नहीं जाते हो गांव में, जयपुर मोबाइल की झंडा लेके आंदोलन करते हो पक्ष या विपक्ष में? हम तो पत्रकार के नाते गांव में गए हैं भाई, हमने देखा है फर्जीफिकेशन कैसे रोका जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी ये हुआ, 65 रुपए का चेक, 63 रुपए का चेक, हम लोगों ने आवाज उठाई, उसको कैंसिल करवाया, शमशान की जमीन के कलेक्टर को सस्पेंड करवाया कि क्या मजाक हो रहा, 65 रुपए का चेक मिलेगा? इसलिए किसी नेता सांसद की रिपोर्ट पर मुआवजा नहीं मिल सकता, ये ध्यान जान लो। अपने लेटर हेड पर सारे सांसद भी लिख के भेज दे तो भी मुआवजा नहीं मिलेगा, मुआवजा मिलेगा जो पटवारी और लेखपाल के थ्रू आया होगा कागज। अर्चना जी सही कह रहा है कि नहीं? बिल्कुल अमिताभ जी सही बात है आपकी, लेकिन विजय जी जो अभी इतनी बड़ी बात कह रहे थे कि मैं कोई सियासत के उद्देश्य से नहीं आया हूं, लेकिन आज राजस्थान की जनता देख रही है कि आपके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपकी मुखिया, आपके कैबिनेट मंत्री,
वो तो राजधानी में है ही नहीं, वो तो राजस्थान में ही नहीं है और मुख्यमंत्री जापान से आने के बाद भी दिल्ली में है, तो आपदा की स्थिति में कौन सी मॉनिटरिंग हो रही है, कौन से निर्देशों की अनुपालना हो रही है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। देखिए हम भी कोई सियासत नहीं करना चाहते, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि इस आपदा की घड़ी में जो किसान है वो दोनों तरफ देखता है, सत्ता की तरफ भी देखता है, विपक्ष की तरफ भी देखता है, क्योंकि विपक्ष उसकी आवाज बनकर उसको बुलंद करती है, लेकिन इनमें इतनी सहनशीलता ही नहीं है कि उसको इस विनम्रता के साथ ग्रहण कर सके कि कहीं ऐसी गलत गिरदावरी हुई है, कहीं पर मुआवजे की उचित मांग को विपक्ष उठाना चाहता है, तो उसको बौखलाहट और विचलन की परिभाषा से परिभाषित करके और किसान की आवाज को दबाने का काम करते हैं। इनके पैकेज में भी कोई विशेषता नहीं है और वो पैकेज किस काम का जब किसान को उसका मुआवजा नहीं मिले, तो यह आवश्यकता इसकी नहीं कि आप बड़ी बड़ी घोषणाएं करें, यह आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि उस किसान की वास्तविक जो नुकसान हुआ है खराब हुआ उसका आकलन पारदर्शी हो जाए, भले इसके लिए मुख्यमंत्री निर्देश दे दे कि हम लोग सत्ता और विपक्ष और पक्ष की राजनीति को छोड़कर सब लोग जाए, सारे विधायक वहां जाकर के करवा ले और सब जो जनप्रतिनिधि है पंचायत राज करें, तो हम भी साधु स्थिति इस प्रकार की नहीं है। यहाँ आपने कहा दंड मिले, कैसे मिले दंड, जब जनप्रतिनिधि जनसेवक को बचाने के लिए सामने आ जाएंगे, विजय जी कुछ कह रहे हैं, छोटा जवाब दीजिएगा विजय जी। हाँ धर्मराज जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मेरी बहन किस प्रकार का बोल रही है। ये एक तरफ तो कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी जब खेतों के किसानों के बीच में गई, उसके बाद सोनिया गांधी जी आ रही थी, उससे पहले वो इसलिए गई। हाँ, और ये मानना है यार, ये पुराना मामला हो गया, नहीं पुराना मामला कटिवा साहब क्या उम्मीद रखते हैं इन अधिकारियों से? अधिकारियों से नहीं, मैं दोनों पक्षों से कोई उम्मीद नहीं रखता। नेता जब तक अधिकारियों को प्रताड़ना नहीं देंगे, किसान को कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये 8,000 का पैकेज मांगा है, सब किताबी बातें हैं, बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। ठीक है कटिवा साहब, विजय भाई एक सलाह आपको दूंगा मित्र के नाते, अब आज आपके काम आएगी, कल अर्चना जी के काम आएगी वो सलाह चुनाव अगले चुनाव के बाद। जब ऐसी आपदा आए ना, तो 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 3,000 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, ये बड़ी बड़ी संख्या वाले आंकड़े टीवी पे मत बोलो। इसको सुन के किसान जिसको 5 दिन जिंदा रहता है वो तुरंत ही हार्ट अटैक में मर जाता है, पता है आपको? यह तीर की तरह छाती में चुभता है जाके जब वो टीवी पर देखता है, सुनता है या कोई बताता है कि चाचा 5,000 करोड़ आया, फिर वो चेक अंटी से निकाल कर देखता है 65 रुपया, पता है उसके बिल पे क्या बीतती है? ये कागजों में रखो दबा के, बोलो नहीं, बहुत मन टूटता है। अपने ऊपर रख के देख लेना, चाहे अर्चना शर्मा चाहे आप चाहे कोई, हम किसान की स्थिति में हो और टीवी पे सुने 5,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, ये वो फलान ढिकान, ये निर्देश वो योजना, और मेरे घर में चेक पड़ा हो 90 रुपए का, तो मैं पागल नहीं हो जाऊंगा? मेरे पास फांसी लगाने के अलावा क्या विकल्प है? ये बड़ी बड़ी बातें मत करिए, जो करने के लिए है अभी भी बता रहा हूं, सिर्फ इतना ही करने के लिए है। राजस्थान के सारे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों आप निकलिए और जितना मुआवजा है उपलब्ध, अभी जितने नियम कायदे आज उपलब्ध है वही ईमानदारी से जमीन पर लागू हो जाए तो भी किसान को बड़ी राहत हो जाएगी, मैं दावे से कह सकता हूं। लेकिन उतना ईमानदारी से करा दो खड़े होकर अपने सामने, लेकिन आपको तो पास्ता खाना है, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, होटल, वैभव की राजनीति में जीना है। राजनेताओं को कलप नहीं टूटे कुर्ते का, छींट नहीं आ जाए। अर्चना जी और आप दोनों से एक सवाल पूछता हूं, अर्चना जी चुनाव लड़ी है, जब चुनाव लड़ते हैं तो घुटनों घुटनों तक कीचड़ में पानी में जाते हैं ना, कूदते हैं ना, गांव गांव जाके कूदते हो ना, अरे चाचा पान लगे चाहे, अरे आपकी बहू हूं, आपकी बिटिया हूं, आपका बेटा हूं, आपका नाती हूं, करते हैं ना, अब क्यों नहीं जा रहे हैं? अब संदेश भेज रहे हैं, इतने बड़े आदमी हो गए, अब संदेश भेजेंगे? और चुनाव होता है
तो वीरेंद्र कटेवा के पांव छू लेते जाके उनकी खाट पे बैठ जाके लेट जाते को तो ना चाहता तुम्हें मेरी कसम हम जाएंगे नहीं जब तक सिर पे हाथ नहीं रखोगे। मैंने ड्रामा देखा 25 साल में नेताओं का, पता लगता है वीरेंद्र कटेवा का हाथ जबरन सिर पर रखवा लिया, बोला ना चाचा आशीर्वाद दे सिर पे हाथ रख के, करते ना ऐसा विजय भाई? आपने बरात दूल्हा ना बने होंगे, बराते तो की होंगी, चुनाव प्रचार में तो गए होंगे नेताओं के, देखा है ना? अब कटेवा साहब लालटेन लिए ढूंढ रहे हैं, भैया वो कहां गए, सिर पे हाथ रखवा गए तो मेरा, अब इनको सिर नहीं मिल रहा। मैं क्यों दोष दूं चपरासी का, मैं पटवारी पर बहस क्यों करूं? ये तो दो बदतमीज नौकरशाह है, इसलिए मैं इनकी बात लेके आया कि इनको दंडित होना चाहिए, इससे कम कुछ नहीं। लेकिन मूल प्रश्न वही है, मैं विधायक हूं, मैं अपने क्षेत्र में खेत में खड़ा हूं पजामा ऊपर किए हुए, किसी मजाल है किसी नौकरशाह की कि बदतमीजी कर जाए किसी किसान से? मैं 10,000 आदमियों के घेरे के भीतर उसको घिरवा लूंगा और कहूंगा इसको घेर के बैठो, इसको पानी चाय कुछ नहीं दो, इसको बैठा लो यहां 48 घंटे 72 घंटे, इसको यही पनिशमेंट है इसका, कलेक्टर का कप्तान का। क्या करेगा? गांधी ने हमको सिखाया ना सत्याग्रह, हिंसा नहीं सत्याग्रह, यही बैठो, आंख के सामने अंधेरा छा जाएगा कप्तान साहब और कलेक्टर साहब के, गोली चलाएंगे क्या कर लेंगे किसान का? आपके हाथ नाजुक है, किसान के हाथ को लोहे के होते हैं, हल चलाते चलाते ध्यान है ना विजय जी, कसके कलाई पकड़ लेगा तो कलेक्टर छुड़ा नहीं पाएंगे ना, क्या करेंगे? इसलिए ये सवाल उठाने आया हूं, आप चुनाव में जा सकते हैं किसान के दरवाजे, खेत की मिट्टी अपने माथे पर लगा सकते हैं, इस आपदा में आप नहीं जा सकते, आप व्यस्त हो जाते हैं, ये पीड़ा है, ये रोना है, ये कष्ट है, मेरी आंख में इसलिए आंसू आता है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम लोग, चाहे ये हो चाहे वो हो, पहले वाले हो चाहे अभी वाले हो चाहे आने वाले हो, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे दिखते हैं मुझे, किसी राज्य में कोई अंतर नहीं दिखता मुझे, निर्देश सब दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी हमारे मुख्यमंत्री कहते सारे निर्देश दे दिए, अगले 10-20 सालों तक के निर्देश आज ही दे दिए, जमीन पर कुछ नहीं हो रहा, कैसे चलेगा काम, किसान कहां जाए? किसान बैठकर सोचता होगा कि हे प्रभु, जब चुनाव था तो सारी जीपें इसी गांव की ओर आती थी, अब गाड़ियां हाईवे से निकल रही हैं, कोई झांकने नहीं आ रहा, इस स्थिति को सुधारिए। लोकतंत्र की सबसे पहली शर्त है जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच में दुख और सुख का रिश्ता होना चाहिए। हिंदुस्तान में तो वैसे भी प्रथा है, मेरी बात से मेरे तीनों मित्र सहमत होंगे कि खुशी और गमी में जाया जाता है ना, किसान के घर गमी है, हमको दिख नहीं रही कि हमको जाना चाहिए, बस इतना कर लीजिए, ये कलेक्टर कप्तान तो 2 मिनट में दुरुस्त हो जाएंगे, ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि जिसके लिए रॉकेट साइंस पढ़नी पड़े। मैंने नाम लेके कहा बड़े नेता खड़े हो, ये कलेक्टर कप्तान यस सर के अलावा और क्या बोलेंगे बताओ, कि कुछ और बोलते हैं क्या चुनाव? नहीं ना, आप लोग खड़े हो, बड़े नेता खड़े हो तो यस सर राइट मैम इसके अलावा कुछ बोल सकते हैं क्या? नहीं ना। मैंने इनको पानी और चाय लाते देखा मंत्रियों के लिए, कलेक्टरों कप्तानों को अपने जीवन में है। उत्तर भारत के एक मुख्यमंत्री थे, उनका पीकदान उठाए मैंने, चीफ सेक्रेटरी को देखा पीकदान उठाए, क्या बोलेंगे? लेकिन आप जब खेत में नहीं होंगे तो ये किसान से यही बोलेंगे जो बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज की चर्चा में अभी बस इतना ही। अर्चना जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, विजय शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कटेवा साहब बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही।